हे एवरीवन, वेलकम। तो हम स्ट्रिंग्स को इम्यूटेबल स्ट्रिंग्स बोलते हैं, और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम स्ट्रिंग्स को इम्यूटेबल क्यों बोलते हैं, इम्यूटेबल का मतलब क्या होता है। देखिए, मान लीजिए आपके पास एक स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग इसमें मैं असाइन करता हूँ एक स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग में लिखता हूँ स्ट्रिंग, कुछ भी लिख सकते हैं आप, मैंने स्ट्रिंग लिखा। अब देखिए क्या है, अब आप स्ट्रिंग के किसी भी करेक्टर को प्रिंट करा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, प्रिंट यहां पे स्ट्रिंग, अपने स्ट्रिंग का नाम, उसके बाद स्क्वेयर ब्रैकेट, उसके बाद फॉर एग्जाम्पल मैं प्रिंट कराऊं फर्स्ट करेक्टर को, मतलब टी को। अब मैं ऐसे इसको प्रिंट करा सकता हूं, देखिए मैं इसको रन करके देखता हूं, ये देखिए टी प्रिंट हो रहा है। अब इसका, अब देखिए, अब अगर मैं यहां से प्रिंट हटा दूं और यहां पे अगर मैं, मान लीजिए मैं चेंज करना चाहता हूं इस टी को, मान लीजिए मैं इस टी को चेंज करना चाहता हूँ कैपिटल टी से, ठीक है, तो ऐसा मैं नहीं कर सकता। आप स्ट्रिंग के किसी भी करैक्टर को चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। अगर मैं अब इसको रन करूँगा, देखिए मेरे पास एरर आ रहा है, ठीक है। तो यह मतलब है इम्यूटेबल का, आपने अगर एक बार स्ट्रिंग बना ली तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। अब एक और एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, फॉर एग्जाम्पल आपने अपनी स्ट्रिंग में कुछ रिप्लेस करना है, फॉर एग्जाम्पल स्ट्रिंग डॉट, आपने रिप्लेस मेथड यूज किया, और फॉर एग्जांपल आप रिप्लेस करना चाहते हैं अपनी स्ट्रिंग में टी को, तो मैं देखता हूँ टी को, और आप किसे रिप्लेस करना चाहते हैं, कैपिटल टी से, ठीक है। मैं इसको प्रिंट करा सकता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं इसको प्रिंट करा सकता हूँ, ये देखिए यहाँ पे स्मॉल टी कैपिटल टी से रिप्लेस हो चुका है, ठीक है। अब एक और बात, अगर मैं यहाँ पे अभी रिप्लेस मेथड यूज करूँ, ठीक है, और फिर से अपने स्ट्रिंग को प्रिंट कराऊँ, ठीक है, और अब देखिए क्या होगा, मेरी स्ट्रिंग वैसी की वैसी रहेगी। इससे मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, ये समझाना चाह रहा हूँ कि ये रिप्लेस मेथड हमारी जो ओरिजिनल स्ट्रिंग है, मतलब ये हमारी स्ट्रिंग है जो ओरिजिनल स्ट्रिंग है, इसमें चेंजेस नहीं करेगा, ठीक है, ये नई स्ट्रिंग क्रिएट करेगा। और आप जो ये नई स्ट्रिंग है जो ये क्रिएट करेगा, आप उसको किसी वेरिएबल में स्टोर करा सकते हो, बट रिप्लेस मेथड को यूज़ करके आप ओरिजिनल स्ट्रिंग को नहीं छेड़ सकते, ठीक है। अगर मैं इसको नई स्ट्रिंग में, नए वेरिएबल में स्टोर कर सकता हूँ, फॉर एग्जांपल न्यू स्ट्रिंग, तो यही मतलब है इम्यूटेबल का, मतलब अगर आपने एक बार स्ट्रिंग को डिफाइन कर दिया तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते। अब देखिए यहाँ पे मैंने न्यू स्ट्रिंग प्रिंट कराई, तो न्यू स्ट्रिंग में टी कैपिटल है। कई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में स्ट्रिंग्स जो होती हैं वो म्यूटेबल होती हैं, कई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में स्ट्रिंग होते हैं इम्यूटेबल। पाइथन में स्ट्रिंग क्या है, इम्यूटेबल। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, फॉर एग्जांपल रूबी, रूबी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें स्ट्रिंग है म्यूटेबल, मतलब आप उसमें किसी भी करैक्टर को चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो यही मतलब है इम्यूटेबल का। आई होप आपको इस वर्ड का मतलब समझ आ चुका होगा, इम्यूटेबल। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो प्लीज लाइक कीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।